ऋषिकेश दे विच इक नौजवान रुड़िया। केशवर मंदिर दीआं कंधां ने भी दिता जवाब। देहरादून दे विच 12 अगस्त तक हाई अलर्ट जारी। तस्वीरां तुहानूं इस वक्त दिखा रहे हैं ऋषिकेश दीआं, जिथे कि एक नौजवान दे रुड़न की खबर सामने आ रही है, जो कि पानी के तेज वहाव के नाल रुड़ चुके हैं, जिथे कि लगातार प्रशासन वालों कहा जा रहा है नदी नालों के नेड़े ना जाया जाए। उसके बावजूद भी ना ही सैलानी रुकन का ना लै रहे हैं, ना ही पहाड़ी इलाकों में मीह रुकन का ना लै रहे, उसके बावजूद भी अजिहियां घटनावां वापर रही ने। बहुत सारे जिहड़े लोग ने नदियों के रुड़ चुके हैं, अजे तक बहुत सारे लोग लापता दसे जा रहे हैं, जिन्हों का कुछ थौ टिकाणा भी नहीं पता लगे। उसके बावजूद भी घटनावां दे लोक ने जिहड़े नदी नालियां दे आसे पासे खड़े हुए वेखे जा सकते हैं। ऋषिकेश तो यह मंदभागी खबर सामने आ रही है, जिथे कि एक नौजवान रुड़ चुके हैं। हुण दूजे पासे तुहानूं लै चलदे हां देहरादून दे तपकेश्वर मंदिर दे वल, जिहदियां कि दीवारां देख सकते हो गलदियां हुई नज़र आ रही ने। पानी का पद्धर कित्थे तक पहुँच चुकिया है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर दस्या जाता है। तो देहरादून दे विच भी हालात काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बने हुए ने। 12 अगस्त तक हाई अलर्ट जारी कर दिता गया। हुण गल कर लैने सड़कां दी, तां सड़क ते तुसीं गड्डी वेख सकदे हो कि बुरे तरीके दे नाल स्टक होई होई नज़र आ रही है। तुस लगातार जिहड़ी हड़ां दी स्थिति है बहुत सारी स्टेटां दे विच बद तों बदतर हुंदी होई नज़र आ रही है। प्रशासन दे लई इह इक वड्डा चैलेंज है हड़ां दी स्थिति उत्ते काबू पाउणा। सो इक इह वड्डा अलर्ट जारी कीता गया प्रशासन दे वल्लों भी, जिथे स्कूलां दे विच छुट्टियां दा ऐलान होया होया, तो खास करके जिहड़े सैलानी ने जिहड़े बच्चे ने उह नदी नालियां दे नेड़े ना जाण। चढ़दी कला टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।